हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है मिर्ची का अचार। वो मिर्ची के अचार में हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम सिरका डाल लेते हैं या फिर हम इसको तेल में बनाकर बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो सबसे हटकर है। उसमें ना ही मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ और ना ही तेल का यूज़ कर रही हूँ। ये खट्टी मीठी मिर्ची का अचार है जो आप जितना चाहे उतना बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। इस वजह से हमारे कोई सब्ज़ी वगैरह बेचने वाले आते हैं तो सब्ज़ी के साथ ही हमारी इतनी मिर्ची इकट्ठी हो जाती है तो हम सोचते हैं इसका क्या करें, वो सूख कर चल जाती है। आप थोड़ा सा थोड़ा जैसे झट से बनाएं झट से खाएं, वो वाली मैं मिर्ची का अचार आपको आज शेयर करने वाली हूं, जो कि खट्टा मीठा है। और आपको ये रेसिपी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये बनाने में भी इतनी ईजी है ना कि आप झट से बनाओगे और झट से खाओगे और हर बार ऐसे ही बनाओगे और आपकी जो मिर्ची है उसका भी रीयूज़ अच्छी तरह से हो जाएगा। नहीं तो वो मिर्ची आप थोड़ी सी मिर्ची होने के कारण आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए मैंने ये क्या किया है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने इसको धो लिया है अच्छे से और अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया, थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया है। अब इसकी मैं ये डंडियाँ हैं जो ये देखिए इसकी डंडियाँ, इसको अब सेपरेट करूँगी। ये देखिए मैंने ये इसकी जो मिर्ची की डंडी है ये इसको हमने सेपरेट कर लिया है। अब इसके हम बीच में कट लगाएंगे। कट हमने ऐसे नहीं लगाना है, हमने इसको ऐसे लंबे साइज़ में ऐसे ऐसे पूरी से पूरी मिर्ची में ऐसे हमने कट लगाना है। ऐसे हमने सारी मिर्ची इस पर कट लगा लेना है ऐसे करके। नाउ फ्रेंड्स, हमने इस सारी जो मिर्ची है इसमें हमने ऐसे कट लगा लिया है जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसमें फिल करने के लिए हम मसाला तैयार करें। मसाला जो है वो है ये देखिए, मैंने ऐसे एक चम्मच लिया है स्पून, और इसका हम ये देखिए आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी थोड़ी सी मिर्ची है तो मैं इसके लिए इसका हाफ स्पून ही ले रही हूँ। और जो शुगर है मीन्स चीनी है उसका एक स्पून, और जो ये देखिए अमचूर है इसका भी फुल वन स्पून लिया है। चीनी भी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैं आधा स्पून और डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा बन सकता है। तो बस अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। देखिए हमारा बस अब ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद इसको ये देखिए मैंने जो मिर्ची है ली हुई इसमें ऐसे ओपन करके हाथ की सहायता से ऐसे फिल करें, इसको ऐसे फिल करें। ये देखिए बस इसको ऐसे फिल करते जाना है हमने। ये देखिए फिर ऐसे ओपन। ये देखिए मैंने सारी मिर्चीज़ में जो मसाला फिल कर दिया है। अब जो ये बचा हुआ ये देखो मेरा बैटर है, इसको भी इसके ऊपर ही डाल देना है, इसको अलग से नहीं रखना है। अब इसको अच्छे से मिक्स थोड़ा सा करके इस तरह से किसी भी आप कांच के या प्लास्टिक के किसी भी जार में आप डालकर रख सकते हो। और इसका यूज़ आप 5 घंटे के बाद इसको यूज़ कर सकते हो, इजीली खा सकते हो। और ये कम से कम 5 दिन तक रह जाती है, तो आप इसको झट से बनाएं और झट से खाएं। तो इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप हर बार ऐसे ही बनाओगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।